Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top in verified educator. आज के session में हम बात करेंगे कि कैसे administrative machinery work किया करती थी और republics में और monarchies में क्या difference है, क्योंकि जो republics का पूरा administrative system हुआ करता था वो monarchies के मुकाबले काफ़ी अलग था. तो इन दोनों के difference को हमें समझना है. तो आज हम जानेंगे राजा, उपराजा, सेनापति और इसके अलावा जो ट्रेजरर होते थे उनके बारे में. इनके बीच में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, इनका क्या एक सोशल ऑर्डर था, और जो पाली के टेक्स्ट हैं वो हमें क्या बताते, क्योंकि जो पाली के टेक्स्ट है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशनड हैं जो एक तरीके का हमारे लिए एविडेंस का काम करते हैं. और ये जो पूरा पीरियड था जिसमें कि बुद्ध अपना काम कर रहे थे, उस समय में भारत की पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, इन सब में क्या प्रभाव पड़े और कौन कौन से हमारे पास लॉ बुक्स थे उसके बारे में जानेंगे. तो ये चैप्टर नंबर 12 है जो ख़त्म हो जाएगा. फिर नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, और चैप्टर नंबर 13 है द एज ऑफ मौर्यास, जिसे हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, तो पहले चैप्टर नंबर 12 का जो लास्ट पार्ट है वो कवर कर लेते हैं. इससे पहले का जो वीडियो है वो ज़रूर देखिए. ये हमारी आर्य शर्मा की सीरीज़ है जिसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं. ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं. आपको मैं बता दूं गाइस कि आप टॉप 10 का कोड यूज़ कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए. तो देखिए, आपको करना कि आप जैसे कि ऐप को डाउनलोड करेंगे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को, तो उसमें यूपीएससी सीएससी ऐसे चूज़ करना है आपको, सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है. और आपको ऐसे सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 24 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. इसमें आप टॉप 10 का रेफरल कोड अप्लाई कर देंगे तो जो आपकी फ़ीस है 64,000 की जो फ़ीस है वो 57,600 हो जाएगी. तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है अगर आप ये जो है कोड यूज़ कर लेते हैं टॉप 10 का, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है. इस तरीके से फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट के लिए और आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा. कोई कॉल के ऊपर आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से सब्सक्रिप्शन रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं. टॉप 10 के कोड से आपको डेली स्टडी मटेरियल, रिविज़न ट्रैकर मिलता है. टॉप 10 का कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, पर्सनलाइज मेंटरशिप और यूपीएससी की सारी बुक्स मिलती हैं. किसी भी एजुकेटर की क्लासेस आप देख सकते हैं, आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है. तो टॉप 10 का कोड याद रखिएगा गाइस, ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो टॉप 10 का कोड यूज़ करना है. मेरा एनसीईआरटी बैच, आर्ट एंड कल्चर का नितिन सिंघानिया बैच सब शुरू हो रहा है परसों, यानी कि सिर्फ आज और कल दो दिन बाकी हैं, परसों से हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं. तो यू मस्ट ज्वाइन ऑल दीज न्यू बैचेस. चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को. हाउ रिपब्लिक्स डिफर्ड फ्रॉम दी मोनार्कीज. पहले तो देखिए, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, बहुत सारे अलग अलग गण और संघ हुआ करते थे. तो ये जो गण होते थे, ये जो संघ होते थे, इसमें एक राजा नहीं है, इसमें एक से अधिक राजा हैं और वो सब मिल करके रूल कर रहे हैं. तो शाक्यास और लिच्छवीज जो थे, और भी जो दूसरे किंगडम्स थे, उसमें कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी था. देखिए, नो डाउट सबसे ऊपर कौन होगा, राजा, यानी कि जो रूलर हैं वो सबसे ऊपर हैं. उनके नीचे होंगे उनके एक सहायक जो है वाइस किंग, यानी कि उपराजा. उपराजा के नीचे होंगे सेनापति, और सेनापति के नीचे होंगे भंडगारिका. भंडगारिका क्या है, जो भंडार जो है देखते हैं, जो कि पूरा जो राजकोष है उसका मेंटेनेंस करते हैं, कि जो राजकोष है, जो ट्रेजरर का काम होता है ना, कि पूरा जो राजकोष है उसको मेंटेन करना, कितना टैक्स आया, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सारा मेंटेनेंस करना जो है इनका ट्रेजरर का काम होगा. तो सेनापति हमारे कमांडर है. देखो, सेनापति का काम है कि जो आर्मी है उसका रिक्रूटमेंट ही नहीं बल्कि उसका मेंटेनेंस और उसकी ट्रेनिंग का भी ध्यान दे. तो आर्मी में किस सोल्जर को रखना है, उसकी भर्ती करना, उसको तैयार करना, उसको ट्रेन करना, उसको मेंटेन करना, ये सब काम जो है सेनापति करवाते थे. तो राजा, उपराजा, सेनापति एंड भंडगारिका, ये चार लोग हैं. तो रिपब्लिक्स जो हैं ये काम कैसे करते थे, इसका सिस्टम क्या था, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या थी. तो जो मोनार्कीज हुआ करते थे और इनके अंतर्गत जो राजा हैं, तो देखो पहली बात तो एक मेन राजा ज़रूर होगा जो कि मतलब एक तरीके से सोल रिसिपिएंट है किसी भी चीज़ का. मतलब वो जो किंग है वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई है ही नहीं.
लेकिन जो मोनार्की है वहीं पे ऐसा होगा। मोनार्की का मतलब क्या होता है? राजतंत्र, जहाँ राजा का तंत्र है, राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो राजा का बेटा ही राजा बनता है मोनार्की में, ठीक है। तो ये क्या क्लेम करते हैं कि वो एक सोल अथॉरिटी है जो कि सारा रेवेन्यू लेता है, सारे पीजेंट्स का जितना रेवेन्यू है सब राजा के पास आएगा, सारे उन रेवेन्यू को कैसे यूज़ करना है, कैसे मेंटेन करना है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो सारे लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? जो किंग है, जो राजा है। लेकिन जो रिपब्लिक्स होते थे, यहाँ पर एक राजा नहीं होता है। रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र में ये जो क्लेम है ये अलग-अलग ट्राइबल चीफ्स के पास होगा, ठीक है, और वो सब राजा कहलाएंगे। तो एक तो ट्राइबल जो है, एक ओलिगार्च यानी कि एक जो सरदार होता है, कबीले का सरदार होता है, तो ऐसे हर एक कबीले का एक सरदार होगा जो अपने कबीले को मेंटेन करता है। हालांकि उन सबके ऊपर एक मेन जो हेड है वो तो होगा ही, लेकिन कई सारे लोग मिल बांट करके अपने डिसीजंस लेते हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो 7707 लिच्छवी राजास थे जो अपने अपने एरिया को, अपने अपने स्टोर हाउसेस को और एडमिनिस्ट्रेटिव जोन को मेंटेन करते थे। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि भारत एक भारत है, भारत में कई सारे राज्य हैं, राज्यों में कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वहाँ का एक डीएम है जो डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट करता है, राइट। तो ये आप समझ लो कि ये भी एक डीएम है, ये जो जो ट्राइबल चीफ होगा वो अपने ट्राइबल एरिया का डीएम है और वो उस हुए एरिया को मेंटेन कर रहा है। हर एक जो मोनार्की होती थी, मोनार्की में क्या है, एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी होती है, यानी कि जो राजतंत्र है उसमें राजा की एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी होती है, लेकिन वो किसी ग्रुप को या दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को आर्म्स रखने से मना करते हैं। जो राजा है, राजा की आर्मी है, केवल वही लोगों के पास हथियार होंगे, आर्म्स एंड एम्युनेशंस होंगे, कोई और इस चीज़ को मेंटेन नहीं करेगा, कोई और अपना दबदबा नहीं दिखाएगा। लेकिन जहाँ बात आ जाती है ट्राइबल ओलिगार्ची की, जहाँ पे ट्राइबल चीफ्स थे, वहाँ पे वो लोग खुद भी अपना खुद का मेंटेनेंस करते थे और अपनी खुद की छोटी सी आर्मी मेंटेन करते थे, जो कि उनके अंदर एक सेनापति मेंटेन करता है। तो ये एक और डिफरेंस है मोनार्की के बीच में और रिपब्लिक के बीच में, क्योंकि जो मोनार्की है उसमें राजतंत्र है, उसमें एक ही आर्मी है और सारे के सारे लोग उसी के हिसाब से चलेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे, कोई और ग्रुप उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, कोई और ग्रुप आर्म्स या एम्युनेशंस नहीं रख सकता है, कोई और जो ग्रुप है लोगों का वो किसी प्रकार के हथियार नहीं रख सकता है, या राजा के अंडर काम करने वाले जो दूसरे लोग हैं वो अपनी अपनी आर्मी नहीं रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिपब्लिक में रख सकते हैं। यहाँ पे ट्राइबल चीफ अपना एक सेनापति और अपनी एक छोटी सी लिटिल आर्मी को मेंटेन कर सकता है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको याद रखनी है, एक चीज़ मतलब आपको कि हज़ारों सवालों के एक जवाब है, सिंपल है कि भाई मोनार्की में वन मैन रूल होता है, ठीक है, और रिपब्लिक में मैनी मैन रूल होता है, बस छोटी सी चीज़ है। मोनार्की राजतंत्र एक राजा, रिपब्लिक कई सारे छोटे छोटे राजा। रिपब्लिक का जो फंक्शन होता है इसके अंदर भी एक मेन लीडर की जो है उसके उनके ऊपर मतलब सबके ऊपर एक मेन लीडर होते हैं, और ये सब जो है अपने चीफ के अंतर्गत रहते हैं। तो ये इनमें मतलब आप मान लो कि ये ओलार्गिक है, मतलब कि इसके अंतर्गत हर एक सरदार जो है अपने अपने कबीले को मेंटेन कर रहा है और एक दूसरे से वो लिंक है, वो असेंबली में साथ में बैठे, अगर कोई यज्ञ करेंगे तो साथ में करेंगे, अगर कोई डिस्कशन करना है तो साथ में बैठ कर करेंगे। लेकिन जो मोनार्की है उसमें लीडरशिप एक इंडिविजुअल की है, तो रिपब्लिकन ट्रेडिशन जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, क्योंकि जब मौर्यन पीरियड आया तो यहाँ पे मोनार्की और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ गई और अब राजा अपने हिसाब से अपने अनुसार एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करे, अपना काम करे, ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया। जो सोशल ऑर्डर है और लेजिस्लेशन है, अगर हम इसकी बात करें तो जो इंडिया का पूरा लीगल सिस्टम था और जो पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम है वो इसी टाइम ओरिजिनेट हुआ है। इसके लिए हमारे पास कई सारी रचनाएं हैं, जैसे हमारे पास कौटिल्य की एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जो कि काफ़ी हद तक हमें सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिस्टम की जानकारी देता है।
उसका नाम क्या है वो बताइएगा। कौटिल्य की वो कौन सी रचना है जो कि हमें पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी देते हैं, उसको कौटिल्य ने लिखा था। उसका नाम आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है? वीडियो के एंड में मैं उसका नाम बता दूंगी, बट इफ़ यू नो ऑलरेडी कमेंट डाउन, ताकि मुझे पता चल सके इफ़ यू नो इट और नॉट। अच्छा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन जो लीगल सिस्टम है हमारा, मतलब ऐसे आईपीसी होनी चाहिए, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, ये सब जो इंडियन पूरा लीगल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम है वो इसी पीरियड में ओरिजिनेट हुआ। और जो डिविडेशन है ट्राइबल कम्युनिटी का, वो चार क्लासेस में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हमें डिटेल जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पिछले वीडियोस में हम लोग कवर कर चुके हैं। धर्मसूत्र जो है, इसमें हर एक चीज़ की ड्यूटी लिखी हुई है कि कौन से वर्ण को कौन सी ड्यूटी करनी है, किसका क्या काम है, किसके क्या कर्तव्य हैं, किसको क्या करना है, और ये सब बाय बर्थ बिल्कुल फिक्स है। तो जो भी सिविल और क्रिमिनल लॉ है वो वर्ण डिवीज़न के ऊपर बेस्ड थे, और वो सारी जानकारी हमें धर्मसूत्र से मिलती है। साथ ही जो पनिशमेंट है वो भी अलग अलग थी। अगर कोई ब्राह्मण चोरी करेगा तो ब्राह्मण को कम सज़ा मिलेगी, लेकिन कोई शूद्र चोरी करेगा तो शूद्र को ज़्यादा सज़ा मिलेगी। तो पनिशमेंट भी इसी तरीके से गवर्न थे, और उसमें आइडिया था एक तरीके का रिवेंज का, जैसे किसी ने किसी को मारा, किसी की आंख में मारा तो क्रिमिनल की आंखें निकाल लो, किसी ने किसी के हाथ पर चोट किया तो उसकी उंगलियां काट दो। तो ऐसे बहुत ही हार्श पनिशमेंट और रिवेंज थे, मतलब जैसे को तैसा, वो वाला रिवेंज सिस्टम यहाँ पे चलता था, ठीक है? अब आगे की जो जानकारी है कि आगे के जो वर्ण थे उनको हम प्योर क्यों मानते हैं, और इनका जो मोरल कंडक्ट है इसको भी समझना ज़रूरी है। देखो, जो उच्च वर्ण के लोग हैं, वो अपर वर्ण के लोग हैं, उनका क्रिमिनल और जो सिविल लॉ है वो थोड़ा हायर लेवल का है, और उनको थोड़े से आप कहो कि उनको थोड़ी सी छूट मिली हुई है, ठीक है? तो उनको ऐसा माना जाता था कि भाई ये तो ब्राह्मण है तो ये तो बड़े अच्छे हैं, ये तो बहुत बढ़िया हैं, ये तो गलत काम कर ही नहीं सकते। तो उनकी एक इमेज बनी होती थी और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि वो अपर वर्ण के लोग हैं तो वो उच्च वर्ग के लोग हैं। पाली टेक्स्ट में ये बात लिखी हुई है कि 10 ऐसे डेस्पिकेबल क्राफ्ट होते थे और कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती थी जो कि कास्ट ही कर सकते थे, चांडाल जो लोग थे वही कर सकते थे, वो कोई और नहीं करेगा, और इसको हीन कहा जाता था, यानी कि पुअर, ठीक है, या इन्फीरियर कहा जाता था, यानी कि ये ऐसा है जो कि अच्छा नहीं है सोसाइटी के नीचे, उसको नीची नज़र से देखा जा रहा है, ठीक है? डिस्पिकेबल, तो नीची नज़र से उसको देखा जा रहा है। शूद्रा जो हैं वो कभी भी उपनयन नहीं कर सकते थे, और वो कभी भी हाई पोस्ट पर उनको इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता था, मतलब शूद्रा चाहे कितना ही अच्छा हो, उसको उसको अच्छे अधिकार मिलना या उच्च वर्ग के लोगों में मिलने जुलने का उसको कोई हक नहीं है, और ना ही इसके लिए कोई वो यज्ञ हवन पूजा पाठ करके अपना प्रमोशन कर सकता है। नो, शूद्र का कोई प्रमोशन नहीं होगा। क्षत्रिय ब्राह्मण सबसे उत्तम है, उत्तम यानी कि बेस्ट कास्ट उनको माना जाता था, ठीक है? तो कंक्लूजन ये निकलता है कि एंशियंट इंडिया की पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी काफ़ी शेप में आ चुकी है। एग्रीकल्चर आयरन टूल्स के ऊपर बेस्ड है, पेडी ट्रांसप्लांटेशन हो गया है, फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी आगे एडवांस कर रही है, ईस्टर्न यूपी और बिहार पर्टिकुलरली काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुके हैं, वर्ण ऑर्डर बिल्कुल डिमार्केट हो चुका है, लॉ बुक लिखी जा चुकी है, और उसके हिसाब से बता दिया कि भाई फाइटिंग का काम क्षत्रिय करेंगे, प्रीस्ट जो है और टीचर्स का जो काम होता है वो ब्राह्मण करेंगे, खेती बाड़ी पीजेंट्स का और टैक्स पेयर्स का काम जो है ये वैश्यास का होगा, और बाकी जो सबको सर्व करने के लिए, सबकी सेवा करने के लिए हैं वो है शूद्रास। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ये सब चीज़ें आगे कैसे बढ़ी और एज ऑफ मौर्यास कैसे शुरू हुआ। द एज ऑफ मौर्यास चैप्टर नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक फॉर द एफर्ट, और प्लीज़ मोटिवेट मी टू ब्रिंग मोर सच लेसन्स फॉर यू।